हेलो हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस, वेरी, थैंक यू खुशी। अच्छा तो देखो, हम यहाँ पे है ना, ये बहुत ही वेटेज वाला यूनिट है यार। मतलब क्या, इसमें एक्चुअली है तो चार ही चैप्टर, बट और ऐसा लगता है ना, बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि बस है ही नहीं कुछ, है ना। बट देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट है, और ये इसका एनसीईआरटी पढ़ोगे ना अच्छे से, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते बेटा आसानी से बन जाते हैं। और अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे तो आपको इस चार चैप्टर में से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछते हैं। आप इमेजिन करो, सिर्फ 4 चैप्टर्स है और उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यार कितना वेटेज है इन चैप्टर्स का, है ना। बट ये बहुत सिंपल है, इनको बस आपको प्रॉपरली रीड करते रहना है एनसीईआरटी से, सही ढंग से बेटा उसके PYQs करने हैं, पता करना है कि यार कैसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया से प्रिपेयर होना है। मतलब आप समझो कि आपके 40 मार्क बायोलॉजी के यहाँ इतने अच्छे से बनते हैं, ठीक है। और बहुत से बच्चे इसको इग्नोर करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो एनीवे, तो वेटेज के हिसाब से, और इवन बेटा हमारी जो भी लाइफ अभी है उसके हिसाब से, एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोसिस्टम, इकोलॉजी एक बहुत बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज बहुत सारा रिसर्च बेटा इसी के आजू बाजू में घूमता रहता है कि हम हमारे इकोसिस्टम को, हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन रखेंगे। क्योंकि अगर इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, ये सब कुछ खराब हो गया तो बच्चों हमारा लाइफ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम चाहे कितनी भी बढ़िया टेक्नोलॉजीज बना ले, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम इसीलिए भागना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मार्स पे हम लोग दुनिया बना ले। भैया यहाँ की तो बचा दो पहले सही ढंग से। तो ऐसा लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोग मानते, कुछ होता नहीं है। 10,000 साल से लोग यही चिल्ला रहे, दुनिया खत्म होने वाली है, हर साल एक नया ईयर निकाल लेते हैं, 2012, अभी 2030 बोल रहे हैं, 2030 में खत्म होगा, ठीक है। तो एनीवे, विल सी दैट व्हाट इज इकोसिस्टम, यू नो दैट इज व्हाट द पॉइंट। और बिल्कुल बेसिक पे रहेंगे बेटा हम लोग, जो भी एनसीईआरटी में है उसको हम सीधा सीधा सिंपली बेटा कवर करने की कोशिश करते हैं। ना देखो, सबसे पहले तो इकोलॉजी, ये कंसेप्ट है। इकोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ दिस इकोसिस्टम। नाउ यहाँ थोड़ा और ध्यान से समझते हैं कि मैं अगर सेल्स को गैदर करता हूँ, सेल्स को गैदर करता हूँ तो टिश्यू बनता है, टिश्यू को गैदर करता हूँ तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स को गैदर करता हूँ तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स को बना दे गैदर करता हूँ तो एक इंडिविजुअल हमें देखने को मिलता है, मान लेते हैं ह्यूमन बीइंग। अब एक ह्यूमन बीइंग है, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारे अगर जमा करता हूँ तो उससे बनता है पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन कहते हैं उसको, यू नो दिस पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन को जब हम लोग जमा करते हैं, जैसे कि ह्यूमन का पॉपुलेशन है, प्लांट्स का पॉपुलेशन है ना, टाइगर का पॉपुलेशन है, कैमल का, ये सारे पॉपुलेशन जब एक जगह जमा होते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। क्या कहते हैं उसे बेटा? कम्युनिटी, ठीक है, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है। जब हम लोग कम्युनिटीज को गैदर करेंगे, बायोलॉजिकल बायोटिक कम्युनिटी है। अब यहाँ पे जो आपके सामने चित्र दिखाई देता है उसमें आपको कम्युनिटी दिखाई देती है, क्या क्या दिखाई देता है देखो, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स है, या देखो ये बर्ड है, ठीक है, ये देखो ये है ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बेटा फिश है, ये देखो ये डक है अंदर बेटा, ये देखो कोई जू प्लैंकटन घूम रहा है, कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, ये जितने भी प्लांट्स है बेटा ये सारे, यहाँ देखो बेटा ये स्पाइडर, स्पाइडर मैन, और सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ये सारे और अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक फ्रेम में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग पॉपुलेशन से जो एक एक जगह जमा हो गई तो इनको मैं बायोटिक कम्युनिटी कहूंगा। क्या कहूंगा इसको बेटा मैं? बायोटिक कम्युनिटी, बराबर है। अब आप जानते हो बायोटिक कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, करेक्ट है बच्चों, अलग अलग पॉपुलेशन इसमें मौजूद है। इजी कंसेप्ट पकड़ पाए? आसान है? अच्छा सर, ठीक है, बढ़िया है। बट सर इसमें और भी दो चीजें हैं, जैसे जैसे सर वाटर है, ये सॉइल है, ये पत्थर है, ये एयर है। अच्छा हाँ करेक्ट है, ये सन से आने वाला लाइट एनर्जी, बराबर, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वाह वाह वाह, पानी,
ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। मतलब सिर्फ बेटा बायोटिक फैक्टर ये है कि आप बायोटिक कम्युनिटीज है क्या? नहीं, तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स भी है। अब सबसे मजेदार बात ये है कि इस फ्रेम में अगर आप क्लियरली देखोगे तो अब ये मछली इस पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। या ये डक जो है ना, वो बेटा उसको एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, वो उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बराबर है, जो बायोटिक फैक्टर्स है और जो अबायोटिक फैक्टर है, इनके बीच में बेटा कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। यस हेलो, इजंट इट? आपको बात समझ में आती है ना? तो ये एक एरिया है, इस एरिया को हम लोग देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो एंटायर एरिया एक छोटा सा लेक है, तो मैं बोलता हूँ कि इस लेक में बायोटिक फैक्टर भी है, इस लेक में अबायोटिक फैक्टर भी है, उनके बीच का इंटरेक्शन भी चल रहा है। तो इस छोटे से बाउंड्री को, इस छोटे से लेक को मैं एक इकोसिस्टम मानता हूँ। तो इकोसिस्टम में मैं दोनों चीजों को इम्पोर्टेंस देता हूँ, बायोटिक फैक्टर्स को भी और एबायोटिक फैक्टर्स को भी। इतना क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है क्या रे? इसके पहले एक चैप्टर है आपके 12th में, वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो मैंने आपको इसके बारे में अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया। तो वो चैप्टर में क्या है, ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस, इनके बारे में बात होती है। ऑर्गेनिजम्स, उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, फिर पॉपुलेशन, उसके बारे में। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसके पहले, बट जैसे कि सर ने बोला कि वो लेंगे, तो मैंने ठीक है, मैंने इकोसिस्टम यहाँ पे शुरू कर दिया। हेलो, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, देखो इकोसिस्टम को बहुत इजीली समझते हैं। अच्छा, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हाँ सर, इकोसिस्टम की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में हम लोग PYQs के डिस्कशन में ही बात करेंगे। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट है? ठीक है, ओइकॉस का मतलब क्या होता है? ओइकॉस का मतलब हाउस होता है, ड्वेलिंग प्लेस। ओइकॉस ये ग्रीक लेटर है, वर्ड है, जिससे बेटा लेटर नहीं वर्ड है, ओइकॉस ये ग्रीक वर्ड है, और उस वर्ड का ही मीनिंग बेटा इको, इको ऐसा कहा गया है। ठीक है, इकोलॉजी, तो ओइकॉस एंड लॉजी, द स्टडी ऑफ आर होम, अपने घर की स्टडी करना। नाउ अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट बेटा आप सबको सुनना है, और वो क्या है? देखो यार, दुनिया में अर्थ के ऊपर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके सबके कलेक्शन को मैं बायोडाइवर्सिटी कहता हूँ। एक और बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, टोटल कंटेंट ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे कि टोटल कंटेंट ऑफ द वाटर है ना, पूरा जो भी टोटल कंटेंट वाटर है अर्थ के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। करेक्ट है ना? उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। पानी कहीं पे भी हो, आपके घर में छोटे से ग्लास में भी पानी रखा है, तो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है वो। हेलो, आर यू क्लियर? ऐसा नहीं कि आप बस हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, सिर्फ ओशन आपके दिमाग में आ जाए। दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। एंटायर टोटल कंटेंट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज द हाइड्रोस्फीयर। क्लियर है क्या? हेलो, वैसे ही अर्थ के ऊपर जहां पे भी आप जाओ और आपको अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो बेटा वो बायोस्फीयर का पार्ट है। क्लियर? तो एंटायर बायोस्फीयर की स्टडी आप एक साथ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो बायोस्फीयर को हम लोगों ने थोड़ा 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 बेटा अलग 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 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट, मतलब डेजर्ट, टुंड्रा, सवाना, अल्पाइन एरिया है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ऐसे करके। तो ये ऐसे वेजिटेशन पैटर्न है जिनको हम पहचान सकते हैं। डेजर्ट को देखेंगे तो पहचान लेगा, अच्छा ये डेजर्ट है ना, डेजर्ट है, और यहाँ पे अलग प्रकार के एनिमल और प्लांट रहते हैं, ये मुझे समझ में। तो उसको क्या बोलते हैं ना, वो जो बड़ा सा पैटर्न होता है ना जिसको हम समझ सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायो। अब यार ये बायोम भी बहुत बड़ा होता है, मतलब जब एक ओशन भी एक बायोम है। अब इतना बड़ा बायोम है यार, तो उसको तो पढ़ नहीं पाते, वी कैन नॉट स्टडी द एंटायर बायोम। तो हमने क्या किया, बोले चलो छोटे छोटे एरियाज ले लो यार, ये छोटा यूनिट ले लिया, इसको स्टडी कर सकते हैं, इसके बायोलॉजिकल फैक्टर, अबायोलॉजिकल फैक्टर, इनके इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हैं। तो इस छोटे से यूनिट को फिर हमने कहा इकोसिस्टम। तो बच्चों पॉइंट क्या है, इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ, है ना, खास करके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना। इकोसिस्टम क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, खास करके फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार का लिविंग फंक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी, ठीक है। आप स्टडी करना चाहोगे जब भी एक छोटी सी बाउंड्री सिलेक्ट कर लोगे, फिर उसी बाउंड्री के लिमिट्स में आप स्टडी करोगे तो आराम से आप पढ़ पाओगे उसके बारे में। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। हेलो, सो व्हाट इज दैट? नाउ देयर इज अ डेफिनेशन। एन इकोसिस्टम इज ए, क्या लिखा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट ईच अदर, है ना। ये फिश और ये डक के बीच में इंटरेक्शन है। क्या इंटरेक्शन है? ये डक इसको खा जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड ऑल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब ही एबायोटिक फैक्टर के साथ में भी वो इंटरेक्ट करते। ये डक इस पानी में तैर रहा है, इस एयर में ब्रीद कर रहा है, यस और नो, है ना। तो ये है इको सिस्टम। व्हाट इज इको सिस्टम? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। बहुत बढ़िया ना। अच्छा, कितने प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं साधारण लेवल पे? तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के। देखो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, मैनमेड इकोसिस्टम, बहुत और भी टाइप है, बारीक बारीक बहुत होता है, बट एनसीआरटी लेवल पे हम लोग रहेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो यार टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होता है और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन भी होता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, मतलब उसमें कौन से एबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट है। अब देखो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, अब ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है ना, जहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं है, ड्राई है, ठीक है, तो इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। नहीं तो यार देखो, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी, ये सारे क्या है बच्चों? एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक है, ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल इकोसिस्टम है, ये भी नेचुरल इकोसिस्टम है। ये देखो, यहाँ पे है एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे कि क्रॉप फील्ड, अभी खेती खेती जो होती है उसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। डाइवर्सिटी कम है मतलब एक प्रकार का ही प्लांट लगा, चावल लगाए तो चावल ही लगा, दाल लगी है तो दाल ही लगी है, गेहूं का है तो गेहूं की खेती, उसमें डाइवर्सिटी उतनी है नहीं। फॉरेस्ट में जितनी डाइवर्सिटी है, ग्रासलैंड में जितनी डाइवर्सिटी है, उतनी क्रॉप फील्ड में होती नहीं है। वहां पे बहुत सारे और भी तो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रहते हैं, तो वो भी एक बेटा क्रॉप फील्ड भी एक इकोसिस्टम है, बट एक मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। वैसे ही एक्वेरियम, एक छोटा सा ग्लास का एक बना लेते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फिश डाल देते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो एक्वेरियम, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। देखो, डेफिनेशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा वाटर ड्रॉप लोगे ना, छोटा सा वाटर ड्रॉप, तो दैट वाटर ड्रॉप इज वेरी सिंपली एन इकोसिस्टम। क्योंकि देखो, इकोसिस्टम की कोई रियल बाउंड्री नहीं है, आप इमेजिन करते हो बाउंड्री को, यहाँ इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स होंगे उनको मैं इकोसिस्टम मानता हूँ, मैं उसको फंक्शनल। अभी अब ये ड्रॉप है, इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये वाटर ड्रॉप है यार, है ना, अब अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया उसमें रहते हैं, हेलो, इजंट इट। तो बेटा ये सिंगल वाटर ड्रॉप आपके लिए एक इकोसिस्टम ही है, इज इट क्लियर? बट ये बहुत ही छोटा इकोसिस्टम है, माइक्रो इकोसिस्टम, हेलो, अरे समझते हो क्या? अरे पॉइंट समझ में आता है ना? आप बोलोगे सर बाउंड्री दिखाओ, तो बाउंड्री इमेजिनरी है, बट हाँ एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही हम लोग बात करते हैं, है ना। और जब पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं तो वहां की हम लोग बाउंड्री कंसिडर कर लेते हैं, हाँ इतना एरिया ले लेते भाई, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में इन अ गिवन यूनिट टाइम, इन अ गिवन यूनिट टाइम, इन अ गिवन यूनिट एरिया, वी स्टडी दैट, उसी को हम यूनिट मानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, ये एक बढ़िया डायग्राम है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक टर्टल है, ये एक टर्टल है, यहाँ फिश है, यहाँ ये ड्रैगन फ्लाई है, ये डियर है, ठीक है, इधर फ्रॉग है, तो ये सब कुछ है, और अलग प्लांट्स भी आपको दिखाई देते हैं। नाउ आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे थोड़ा सा अभी अन्य चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नाउ देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें अब थोड़ा ध्यान से समझनी है, ठीक है। हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे आप लोग 9th या 10th में एसेज लिखते थे, लिखो रे भैया एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर, तो आप जो है ना शुरू हो जाते हो,
ठीक है, वैसा नहीं करना है, यहाँ हमें बिल्कुल प्रिसाइज होना है, क्योंकि यहाँ आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शंस। एंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको बोला एक छोटा सा वाटर ड्रॉप भी इकोसिस्टम है, वैसे ही पूरा अर्थ भी तो इकोसिस्टम है। हाँ, ये इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, बट उसको मैं कह सकता हूँ ग्लोबल इकोसिस्टम। क्या कहूंगा उसे मैं, पूरे अर्थ जो पूरा बायोस्फीयर जो है उसको मैं क्या कहूंगा बेटा, ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट। इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में दो पार्ट तो हमेशा होते हैं, एक होगा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और उसमें वो इंटरैक्ट करते हैं एंड फंक्शन एज ए यूनिट, तो इसीलिए वो एक यूनिट जैसा बिहेवियर करते हैं, इसी को मैं कहता हूँ। ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट एंड फंक्शन एज ए यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, पहले यहाँ पे बता देता हूँ मैं, और फिर आपको मैं पेन एंड पेपर पे भी बताऊंगा कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप समझ जाना है। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अब ये क्या है सर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। सर ये क्या कंसेप्ट है? अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि इन ए फॉरेस्ट, अगर आप किसी फॉरेस्ट में चले जाओगे तो आपको एक अजीब सा चीज देखने को मिलेगा, वो क्या है कि आपको अलग अलग हाइट के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ट्रीज कैनो, ट्रीज ऑक्यूपाई द टॉप स्ट्रेटा, श्रब्स द सेकेंड, एंड द हर्ब्स एंड ग्रासेस द बॉटम लेयर्स। तो अगर आप किसी भी फॉरेस्ट में देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि एक छोटी सी, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसके नीचे, ये देखो ये जो एक हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन बनाई आपको दिखाई दे रही, इस लाइन के नीचे सारे छोटे छोटे हर्ब है, ग्राउंड लेयर है। ठीक है, एक और लाइन बना देता हूँ बेटा, एक और स्ट्रेटा बना देता हूँ, इस स्ट्रेटा के नीचे देखोगे तो आपको बेटा यहाँ पे कुछ श्रब लेयर दिखाई देता है, और एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन मैंने बना दिया तो इस लाइन के नीचे जो है वो अंडर श्रब आते हैं। ठीक है, अंडर श्रब, उसके बाद एक और यहाँ पे हम लोग लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये ट्री लेयर आपको देखने को मिलता है, और है ना, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो है ना ट्री लेयर हमको दिखाई देता है, कैनोपी दिखाई देती है, बहुत सारे घना बेटा, और बहुत सारे ऐसे हैं कुछ प्लांट्स इतने टॉल होते हैं कि बेटा वो बिल्कुल ऊपर निकल जाते हैं, जिसको इमर्जेंट लेयर कहते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेटा दिखाई दे रहा है, लेयर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो बर्ड्स यहाँ पे उड़ रहे बेटा है ना, यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं है इस जमीन के ऊपर, जो इंसेक्ट है यहाँ पे स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, ऑल दिस आर इस लेवल पे ग्रासेस में रहते हैं, ग्रास ऊपर रहता है। अब ग्रास ऊपर यहाँ पे उड़ता तो नहीं है इतने लेवल पे, मतलब हर एक लेयर पे अलग अलग बच्चों क्या देखने को मिल रहा है आपको, इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री तो इमेजिनरी है, मैं इतने एरिया को भी लेकर भी स्टडी कर सकता हूँ, सिर्फ आज मैं सिर्फ हर कोई पढ़ूंगा इतना ही इकोसिस्टम मैं कंसिडर करूंगा, हो गया। मतलब स्ट्रेटा बाय स्ट्रेटा द इकोसिस्टम कैन चेंज, क्लियर है क्या? वर्टिकल जा रहे हो ना आप लोग, अर्थ से बिल्कुल अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो ना, यहाँ पे जाओगे तो हर लेयर मिलेगा, यहाँ तक ऊपर जाओगे और वर्टिकल जाओगे आप लोग तो दूसरा भी लेयर मिलेगा, वर्टिकली अब और जाओगे तो बेटा तीसरा लेयर मिलेगा, वर्टिकली अब और ऊपर, तो अलग अलग लेवल, मतलब अर्थ के सरफेस से आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे अर्थ के सर, आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से समझते हो बट डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल है, लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की, क्लियर है, बट स्ट्रेटास बेटा वर्टिकल होते हैं ना, एक के ऊपर एक होता है स्ट्रेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। अभी एक चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई जो इस चीज को और अच्छे से समझाती है, तो वो मैं पेन एंड पेपर पे सर। सर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये वाला मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अभी अभी वही बोल रहा हूँ, फिर से तुम वही पूछ रहे हो, है ना। इसको अच्छे से समझने के लिए अभी हम पेन एंड पेपर पे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों अब थोड़ा नोटिस करना आप लोग, मैं एक अजीब सी अलग चीज बताऊंगा। अब इन्होंने एनसीईआरटी ने जो कंसेप्ट बताया है वो है बच्चों स्ट्रेटिफिकेशन का, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और कंसेप्ट बताऊंगा जिसको मैं बोल रहा हूं जोनेशन। क्या बोलता हूं? जोनेशन। थोड़ा ध्यान से देखना,
मान लेते बेटा आप मुंबई में रहते हो, बराबर, आप मुंबई में रहते हो ना, ठीक, तो ये मुंबई है। अब मुंबई में जितने भी, ये मुंबई है, यहाँ पुणे है, यहाँ नासिक है, यहाँ अहमदनगर है, यहाँ नागपुर है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब मैं एक सबसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, जिस तरह का वेजिटेशन मुंबई में है वैसा ही वेजिटेशन एग्जैक्ट पुणे में है क्या? तो आंसर है नो, नहीं है सर। वैसे ही नासिक में है ना, वहां पे अभी ग्रेप पाइन्स देखने हम नासिक जाते हैं, मुंबई में थोड़ी है ना, नासिक क्यों जाते हैं, वहां पे जाते हैं, है ना। आप अहमदनगर जाओगे है ना, वहां पे उस रीजन में जाओगे तो वहां पे बेटा, उधर बेटा है ना, बनाना ज्यादा मिलेंगे। तो वेजिटेशन जो है जोन टू जोन वैरी करता है। तो ये वाला जोन है, इसका इकोसिस्टम अलग है, इसका इकोसिस्टम थोड़ा अलग है, इसका इकोसिस्टम अलग है, बट ये है जोनेशन। जोनेशन का मतलब क्या है? अब इनको अलग करने के लिए मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ करी बताओ? हेलो, कौन सी लाइन? वाह, वर्टिकल। तो जब मैं है ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलूंगा और डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा, तो यहाँ पे एक्चुअली जोनेशन में मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं जोन बदल देता हूँ वैसे वैसे बेटा वेजिटेशन चेंज हो जाता है, फ्लोरा फना बदल जाता है। क्लियर है? क्लियर है सर, इसको मैं बोल तो वर्टिकल है ना? क्या वर्टिकल है सर? वर्टिकल में क्या वर्टिकल है? वर्टिकल क्या है तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या वर्टिकल क्या है? आप बराबर, आप सर लाइंस, हाँ लाइंस वर्टिकल है, बट डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल नहीं है। ठीक है, आप जिस रूम में बैठी हो उसके बाजू में भी एक रूम होगी। हेलो, यस सर। ठीक है, आप जिस रूम में और बीच में एक दीवार है, तो दीवार वर्टिकल है बट आपकी रूम वर्टिकल नहीं है। आप एक अलग जोन में हो, आपके बाजू में जो किचन है जहां मम्मी काम कर रही है वो बेटा अलग जोन है। तो आपके बीच में जो दीवार खड़ी हो वर्टिकल है, तो वर्टिकल सिर्फ दीवार है, आपका जोन बेटा वो और वो, आपकी मम्मी और आप एक ही जोन, एक ही लाइन पे खड़े हो। यस और नो? हेलो, यस सर। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए पूछा वर्टिकल क्या है, इसका जवाब दो। वर्टिकल सिर्फ लाइन है, ये मेरी इमेजिनरी लाइन है ताकि मैं जोन्स को अलग अलग कर सकूं, ये जोन अलग, ये जोन अलग, ये जोन अलग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते बेटा प्लेस टू प्लेस वेरिएशन। समझते हो क्या बच्चों? यस सर, प्लेस टू प्लेस वेरिएशन। अब यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन में आओ, मैं एक ही प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ, देयर इज नो प्लेस टू प्लेस वेरिएशन। मैं एक ही प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम इन द मुंबई, आई एम इन मुंबई। ओके, अब मुंबई में मैंने एक खरीदा एरोप्लेन, ठीक है, मैं थोड़ी ऊपर चढ़ा तो यहाँ पे देखा कि अरे यहाँ तो झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पे चढ़ा तो अच्छा ये गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पे चला तो ये बढ़िया बड़े बड़े टावर है, यहाँ पे गया इधर हवा है, कुछ नहीं है, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर चला जा रहा हूँ तो यहाँ का बेटा वेजिटेशन अलग है, यहाँ तक का वेजिटेशन अलग है, यहाँ का वेजिटेशन अलग है, यहाँ जो वेजिटेशन गया वो अलग है, इस तरह से मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? By thinking an imaginary vertical line, sorry, horizontal line. Lines are horizontal, but the distribution is vertical. Hello, isn't it? Yes, sir. ठीक है, अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो, एक सोसाइटी में रहते हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हो आप वो फर्स्ट फ्लोर पे हो, ठीक है, आपके ऊपर बेटा सेकेंड फ्लोर में कोई इंसान रहता है, तो आपके बीच में जो छत है और उनके लिए वो फ्लोर है, आपके लिए जो छत है, आपके लिए जो रूफ है, आप उनके लिए वो फ्लोर है, और ये दोनों के लिए एक वर्टिकल है ना, बाइफर्केशन है, isn't it? Yes or no? Yes, sir. तो यही तो हमें समझना है। एक बिल्डिंग में आप जब एक ही बिल्डिंग में ऊपर 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 चढ़ोगे तो बेटा आपको जो बीच में दो फ्लैट के बीच में जो आपको गैप देखने की मिलेगी उसको वो वर्टिकल होगी कि हॉरिजॉन्टल होगी? वो हॉरिजॉन्टल होगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? फ्लैट के ऊपर फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर फ्लैट है, हर एक फ्लैट में अलग अलग फैमिली रहती है, बराबर है? तो ये जो वेरिएशन है आपको अलग अलग फैमिलीज का आपको
है ना, एक के अबव एक देखने को मिलता है, इसी को हम स्ट्रेटा कहते हैं, स्ट्रेटा मतलब लेयर। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। ओके, सो दैट्स इट, वेरी सिंपल। आर यू क्लियर अबाउट एवरीवन? हेलो बेटा, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं दूसरा फंडा यूज करता हूँ, इसको बड़े ध्यान से सब लोग देखो बच्चों। दूसरा फंडा क्या है, मैंने बनाया अर्थ, इसको बहुत अच्छे से समझना, ये काम की चीज है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, ये मैंने बनाया अर्थ, अर्थ का यहाँ पे मैंने सेंटर एक लाइन बनाया, ये जो लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इक्वेटर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर के बाजू में यहाँ पे एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन बनाई। ठीक है, और बेटा दूर गया मैं इक्वेटर से। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये नॉर्थ है ना, ये साउथ, क्योंकि इक्वेटर के जस्ट बाजू में है इसीलिए ये ट्रॉपिक है, तो ये नॉर्थ ट्रॉपिक्स है और बेटा ये साउथ ट्रॉपिक्स है। ठीक है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। उसके बाद में एक और एरिया बेटा मेरे को दिखने को मिलता है, ये वाला, ये एरिया जो है बेटा इसको टेम्परेट कहते हैं, ये भी टेम्परेट है, बट फिर से मैं यही बोलूंगा ये वाला बेटा नॉर्थ टेम्परेट है और ये साउथ टेम्परेट है। करेक्ट है? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये भी साउथ टेम्परेट है। उसके बाद में बच्चों ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला नॉर्थ पोल है और ये जो है बेटा दिस इज साउथ पोल। इज इट क्लियर? यस सर। तो मैंने क्या किया, I am moving on the earth. I am moving on the earth, but away from the equator. तो बेटा मैंने हवा में उड़ रहा हूँ क्या मैं? नहीं। I am moving from one zone to another zone. One zone to another zone. ठीक है? The distance from the equator is called as the latitude. Hello. क्या बोलते रहे उसको? Latitude. The distance from the equator is measured as a लेटीट्यूड। हेलो, समझ रहे हो? तो लेटीट्यूड टू लेटीट्यूड वेरिएशन क्या चीज हो सकती है बच्चों? जोनेशन। पक्का है क्या? क्योंकि आप एक ही सरफेस के ऊपर मूव हो रहे हो, अर्थ के ऊपर ही तो मूव हो रहे हो, ऊपर तो नहीं उठे। अरे समझ में आया? यस सर। इसको बोलते हैं लेटीट्यूड टू लेटीट्यूड वेरिएशन को मैं क्या बोलता हूँ? जोनेशन। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू अनदर। अभी एक और डायग्राम देखो, ये है बेटा ओशन, यहाँ पे बड़े ही लहरें उठ रही है, सुनामी आ रही है, और यहाँ पे एक भाई साहब जो है बढ़िया सर्फिंग कर रहे हैं, एंजॉय। ठीक है, ये ठीक है, और फिर यहाँ पे बेटा थोड़ी सी रेत, रेत के बाजू में यहाँ पे बेटा छोटा सा पहाड़, और ये है माउंट एवरेस्ट। ओह माय गॉड, ये देखो ये डायग्राम। नाउ मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा नोट करो यार, ये है सी सरफेस, इसको मैं क्या बोलता हूँ? ये जो चीज है ना, दिस इज व्हाट द, ये है सी सरफेस। मेरे लिए क्या है? सी सरफेस। ठीक है, अब ये सी सरफेस है, व्हेनेवर यू मूव, अब ये पर्सन जो है यहाँ से निकला, ठीक है, और ये ऊपर ऊपर चढ़ने लगा, पहाड़ पे गया, ये छोटे टीले पे चढ़ा, फिर इसको मन ने भरा तो इधर रस्सी बांध करके ऊपर चढ़ा, यहाँ बोले यहाँ झंडा गाड़ा। ठीक है, तो आप तो समझना है कि दिस पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम द सी सरफेस। अरे ऊपर जा रहा है ना यार ये सी सरफेस से, बराबर? यस सर। हाँ, अभी वो अर्थ के सरफेस पे नहीं घूम रहा, अर्थ के सब लेटिट इक्वेटर से कोई मतलब नहीं उसको, हो सकता है वो इक्वेटर पे ही हो, बट यहां से बेटा वो क्या कर रहा है, वो अर्थ के सरफेस से ऊपर चढ़ता जाए, तो मतलब सी सरफेस से वो ऊपर चढ़ रहा है, तो इसको मैं बोलता हूं क्या बोलता हूं? एल्टीट्यूड। क्या बोलते बेटा उसको? एल्टीट्यूड। बात समझ रहे हो? ठीक है, एल्टीट्यूड। जो जब आप एक एरोप्लेन खरीद करके ऊपर चढ़ते हो या ऊपर उड़ने लग जाते हो तो यू आर गोइंग टू हायर एल्टीट्यूड। करेक्ट है, जब आप हिमालय पे चढ़ोगे तो डेफिनेटली आप मुंबई से भी ज्यादा अल्टीट्यूड पे बैठे हो, इजंट इट? हेलो, यस सर। तो जब आप ऊपर ऊपर चढ़ोगे तो आप वर्टिकल जाओगे, आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, आपको दिखेगा कि यहाँ के अलग ही ऑर्गेनिज्म से, यहाँ पे जाओगे यहाँ पे कुछ अलग ही ऑर्गेनिज्म, और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे और ही ऑर्गेनिज्म,
एकदम टिप पे जाओगे तो उधर बेटा मैमोथ वगैरह पता नहीं कौन कौन तुमको बर्फ में गड़ा हुआ मिलेगा। आप बोल रहे हो अरे यार यहाँ तो अलग ही एनिमल्स है, तो ये जो चीज होती है आप उसको कैसे अलग करोगे, बाय द ओरिजेंटल लाइंस, बट यू आर मूविंग टू द वर्टिकल पोजिशन, वर्टिकल जा रहे हो आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस इज द एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इट इज द लैटीट्यूड, इज इट क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया, तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है बेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जोनेशन कहते हैं, क्लियर है क्या? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आते हैं बच्चों हम लोग, तो ये है एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी ने सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन ही मेंशन किया है, ठीक है, नेक्स्ट ना एक एग्जांपल दिया है पॉन्ड एज ए एक्वाटिक इकोसिस्टम का। अब बेटा थोड़ा ध्यान देना, चीजों को बहुत अच्छे से समझना, इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है। अ पॉन्ड इज अ शॉलो, सिंपल। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट लेटर है ना, इसको वर्ड को देखो, सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो बेटा किसी भी इकोसिस्टम में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें एक छोटे से पॉन्ड में है। पॉन्ड मतलब छोटा सा तालाब, बिल्कुल छोटा सा तालाब। लेक मतलब बहुत बड़ा होता है, सरोवर जिसको बोलते हैं। लेक और पॉन्ड में डिफरेंस है, ठीक है, पॉन्ड छोटा सा तालाब होता है, ठीक है। सो इसको समझो, हम लोग पॉन्ड को लेते हैं ताकि हमें आसानी से चीजों को पढ़ना है। अब ये सेल्फ सफिशियंट है, क्यों है, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। देखो इसमें अबायोटिक कंपोनेंट है जैसे कि वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट्स, ये चीजें हैं। इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो सकती है जैसे कि सोलर इनपुट आता है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, है ना, दिन हो गया गर्मी बढ़ी, दोपहर हो गया और गर्मी बढ़ी, ठीक है, शाम हो गया धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, रात में बेटा एकदम ठंडा हो गया, तो ये टेम्परेचर साइकिल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एवरी डे इज नॉट सेम, तो डे लेंथ वेरी करती है, तो ये सारी चीजें क्लाइमेटिक कंडीशन उस छोटे से पॉइंट के लिए बदलती है। उसके बाद उसमें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स है जैसे कि फाइटोप्लैंकटन मतलब पानी में तैरने वाले एल्गी, एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम लोग फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन मतलब फ्लोट होने वाले, है ना, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। कुछ प्लांट एकदम बेटा मार्जिनल है मतलब यहाँ पे एकदम पानी में डूबे हुए है नहीं, कुछ प्लांट एकदम सबमर्ज्ड है पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है, कुछ फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। सो ऐसे अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन आपको कुछ छोटे से पॉन्ड में देखने को मिलते हैं, बट उतने ही नहीं है, उसमें कुछ कंज्यूमर्स भी हेटरोट्रॉप्स है जो जिनको हम लोग एक्चुअली कहते हैं जू प्लैंकटन, जो इन छोटे छोटे एल्गीज को, है ना, लीव को खाते रहते हैं, है ना। उसके बाद इन जू प्लैंकटन को खाने वाले फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स जो है आपको फिशेस भी देखने को मिलते हैं। देखो आपको दिखाया जा रहा है ये फिश यहाँ पे है, ये फिश यहाँ पे है, कुछ फिश एकदम डेप्थ में रहती है, कुछ फिशेज बिल्कुल सरफेस सरफेस पे घूमती रहती है, तो हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्वेलर या सरफेस फीडर, ठीक है, या तो बेंथिक, बेंथिक मतलब एकदम बेटा, है ना, जो भी इस पे, है ना, पानी के अंदर की जो सॉइल लेयर है ये वाली, वहां पे रहने वाले जो जीव होते हैं उनको हम बेंथिक कहते हैं, ठीक है, जो ऊपर ऊपर इधर तैरते हैं उनको हम लोग प्लैंकटोनिक कहते हैं, जो ऊपर तैरते हैं। सो ऐसे बहुत अलग अलग नाम है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये सारी चीजें बेटा वहां पे है, मतलब देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर भी है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर भी है, सारे लोग उधर अवेलेबल है, सारे लोग है, अलग अलग प्रकार की फिश है, छोटी बड़ी सब है। उसके बाद अगर ये सब मर गए या प्लांट मर गया, डेथ हो गई, है ये जो फिशेस मर गए डेथ हो गई, उनको किसी ने खाया नहीं, तो फिर बेटा उनको सड़ाने वाले डिकम्पोजर्स भी वहां पे है, ठीक है, जैसे कि फंजाई बैक्टीरिया और कुछ फ्लैजेलेट जो होते हैं प्रोटोजोअन्स, ठीक है, वो भी वहां पे है, जो इनको सेप्रोफिटिक, है ना, सेप्रोफिटिक जो प्रोटोजोअन्स है वो सब बेटा यहाँ पे मौजूद है। तो आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा पॉन्ड है ना, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है जो आपको चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है,
तो पूरा फूड चेन, फूड वेब सब कुछ वहां पे चल रहा है, लाइट अवेलेबल है, बारिश भी होती है, ठंड भी पड़ती है, मतलब आपको जो इकोसिस्टम्स रन करने के लिए जो एंटायर सिस्टम चाहिए वो आपको एक छोटे से पॉन्ड के इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलता है, इजंट इट हेलो? यस सर। बट ये स्ट्रक्चर है उसका, ये फंक्शन है क्या? ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या है, ये स्ट्रक्चर है। बट हमारी डेफिनेशन एक्चुअली इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग इमेजिन की बाउंड्री कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर उतना चेंज हो सकता है। बट बेटा उसकी जो रियल आइडेंटिटी होती है ना इकोसिस्टम की, वो क्या है बच्चों? एक्चुअली उसका फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, है ना, इसमें क्या फंक्शन है भाई, फंक्शन का क्या मतलब है? जैसे कि अगर डिकम्पोजर है तो वो क्या कर सकता है? वो डिकम्पोजिशन कर सकता है, बराबर? डिकम्पोजिशन इज अ फंक्शन, हेलो, है ना? Yes, sir. अगर, हाँ, मतलब आप समझो यार, अर्थ के ऊपर चीजें डिकम्पोज होना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? डिकम्पोज, बॉडी डिकम्पोज होती है, इकोसिस्टम पूरी कोलैप्स हो जाएगी भाई। डिकम्पोजिशन बंद करा दो, सारे लाशें जो है इधर उधर पड़े हुए मिलेगी, सारे एनिमल्स के, ये वो, कोई चीज सड़ी नहीं रही है, इट विल बी वेरी हॉरिफाइंग सिचुएशन, यू नो, सो डिकम्पोजिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा, अगर डिकम्पोजिशन नहीं होता तो जो सॉइल में मिनरल्स मिक्स होते हैं तो मिनरल्स मिक्स नहीं होंगे, अगर मिनरल्स मिक्स नहीं होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली बेटा खत्म हो जाएगी, और बेटा पूरा वेजिटेशन भी एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन इज अ फंक्शन विच एक्चुअली रन्स दिस इकोसिस्टम, हेलो, तो ये एक है। तो आपको फंक्शन समझ में आता है, व्हाट इज द फंक्शन, है ना, तो इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉन्ड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, क्या क्या है, सच एज अभी फंक्शन क्या क्या है, कन्वर्शन ऑफ द इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग सोलर रेडिएंट एनर्जी बाय द ऑटोट्रॉफ, मतलब पहला फंक्शन होता है बेटा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, मतलब फोटोसिंथेसिस, है ना, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो जो भी लाइट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप करना उसको, है ना, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उनको मिला करके ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना देना, ये जो चीज होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन भी एक फंक्शन है बेटा इकोसिस्टम का, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो बेटा बाकी के जो फूड चेन काम करेंगे क्या? नहीं। उसके बाद ये जो भी प्रोडक्टिविटी दिखती है, जो भी चीजें बनी है उनका कंजम्पशन होना चाहिए, उन्हें कोई खाना भी तो चाहिए, तो ऑटोट्रॉप्स को हेटरोट्रॉप्स खाते हैं, कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम करते हैं, तो फूड चेन काम करता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर होता है ना, एक्युमुलेट थोड़ी होगा एक ही जगह बस रहा है वो नहीं। तो तीसरा फंक्शन है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम back for the reuse by the autotrophs. तो वो जो भी मरेगा, जिसकी भी डेथ होगी, या तो जिसका गिर गया प्लांट का ब्रांच टूट के गिर गया, वो ब्रांच टूट के गिर गया मतलब उसका डिकम्पोजिशन होना चाहिए, उसमें जो मिनरल्स है, उसमें जो कंपोनेंट्स है, वो फिर से मिट्टी में मिलने चाहिए, ताकि फिर से बेटा जो भी प्लांट्स है उसको फिर से एब्जॉर्ब कर ले और फिर से उसको साइकिल करे, मतलब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो होती है, ठीक है, ये एक फंक्शन है बेटा इकोसिस्टम का, एनर्जी ट्रांसफर ये फंक्शन है इकोसिस्टम का, प्रोडक्शन ये फंक्शन है बेटा इकोसिस्टम का, है ना, कंजम्पशन, डिकम्पोजिशन, ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये बेटा फंक्शन है इकोसिस्टम के। अगर ये फंक्शन आप बाउंड्री कोई भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, फंक्शन नहीं बदलेगा, फंक्शन ये सारे होने चाहिए तभी मैं उसको एक, है ना, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम कहता हूँ। आपको अगर याद हो तो इसके पहले के स्लाइड पे मैंने सेल्फ सस्टेनेबल को अंडरलाइन किया था और कहा था ये वर्ड इम्पोर्टेंट है सबसे, हेलो, यस सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनेबल है,
उसको किसी दूसरे बाहर की चीजों को वो आएगा बोलेगा ऐसा नहीं, उसके पास सारा सिस्टम है, वहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल हो रहा है, तो उसको किसकी जरूरत है, ऑटोमेटिकली सब चल रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा फंक्शंस में हमें चार चीजें पढ़नी है बच्चों, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, चार फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है, चार बेटा हमें बेसिक कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ने हैं। एक कौन सा है बच्चों, प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन, तीसरा क्या है एनर्जी फ्लो, चौथा क्या है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो अब ये चैप्टर पूरा एंटायर है ना, ये इन्हीं चीजों के ऊपर बेटा इर्द-गिर्द घूमेगा, मतलब यही चीजें हम लोग बात करेंगे इसमें इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि हम कार्बन साइकिल पढ़ते हैं या फॉस्फरस साइकिल पढ़ते हैं, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, कार्बन साइकिल होता है ना कार्बन साइकिल, है ना। तो ये शायद आपने 9-10 में भी आपने कार्बन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल समथिंग पढ़ा होगा, होता है ऐसे, नाइट्रोजन साइकिल एक होता है। यस सर। ओके नाउ चलो बात करते हैं। अच्छा, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना, ये चार चीजें हैं। नाउ आते हैं बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये है, ये चार चीजें हैं, ठीक है, चलो विल टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले बेटा प्रोडक्टिविटी है फर्स्ट, ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछने लायक होता है थोड़ा बहुत। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोडक्टिविटी। अब देखो पहला मैं बेसिक बात करता हूँ, बेसिक चीज ये है बेटा, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इसमें पहले तो डिफरेंस है, ठीक है, हेलो, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इसमें फर्क है, ठीक है, बराबर। अभी क्या डिफरेंस है देखो, मैं जब रेट के बारे में बात करता हूँ, कितने तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अगर मैं बोलूँ प्रोडक्शन पर आर, प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर ईयर, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, द स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन, सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो जब भी आप प्रोडक्शन को एक किसी यूनिट टाइम के साथ कंसिडर करते हो, तब उसे मैं क्या कहता हूँ, प्रोडक्टिविटी। क्लियर है बेटा? We are not talking about the amount. We are talking about the amount produced per unit time. ठीक है? So that is what. चलो, तो अभी आते हैं बच्चों सादे सादे बातों पे बात करते हैं। अभी देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो भी लाइट है वो सोलर एनर्जी है। So solar energy is the basic requirement for an ecosystem to function and sustain. Now, amount of biomass. अब आप देख सकते हो यहाँ पे biomass मतलब organic matter. ठीक है? Produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called primary production. Primary production का क्या मतलब? जो production किसने किया है? Plants ने किया, ठीक है? या इसी को हम लोग primary productivity कहते हैं। जैसे हम लोग time लगा देते हैं per year, per यहाँ पे जो भी हम लोग time लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ देखो वेट लिया है ना, पर है ना स्क्वायर ग्राम ऐसे लिखा है, और एनर्जी, एनर्जी के फॉर्मेट में इसको देख रहे हैं, किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर, इस तरह से हम लोग यहाँ पे उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको नोटिस करना है, द रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन, रेट अमाउंट जैसे ही बोलोगे ना तो प्रोडक्शन है, अमाउंट बोलोगे तो प्रोडक्शन है, बट रेट कितने समय में हुआ है ना, उसे मैं क्या कहता हूँ बच्चों, प्रोडक्टिविटी। क्या कहता हूँ उसे मैं, प्रोडक्टिविटी। नाउ इसको कैसे करेंगे, जैसे वेट, बायोमास प्रोड्यूस हुआ है ना ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर, ईयर के हिसाब से लिया, या तो एनर्जी, कितनी एनर्जी जमा हो गई, किलो कैलोरीज पर मीटर है ना पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। तो ये जो है ना, ये जो होता है यूनिट, आपको समझ में आना चाहिए कितने एरिया में कितने समय में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्टिविटी। क्लियर है क्या रे? यस सर। अभी नोटिस करो, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको हम लोग, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्लांट पहली बार प्रोडक्शन करते हैं। एनिमल तो कोई भी बेटा सन की एनर्जी से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो बेटा एनिमल्स के केस में मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वर्ड यूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही मैं बोल सकता हूँ, जितने भी इवन बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, तब भी बेटा मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये वर्ड यूज कर सकता हूँ। बट मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ नोटिस करो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्लांट ही कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आपके मम्मी ने चार रोटियां बनाई, कितनी बनाई? चार, ठीक है, फोर ब्रेड्स और फोर चपाती बनाई, ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन पूछा बार बार, अरे कितने बनाए कितने बनाए? चार बनाए, चार बनाए, चार बनाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चार बनाते बनाते एक खाली, बचे कितने बेटा? तीन। तो एक्चुअली बेटा एक्यूमुलेशन कितना हुआ घर में, बॉक्स में कितनी रोटी आए? तीन ही है, एक कहाँ चली गई? एक क्या है, मम्मी को भूख लगी थी खाली, ठीक है। तो मैं इस इन दोनों चीजों को ध्यान से समझता हूँ। अभी यहाँ मम्मी हमारी सबकी वो है बेटा प्लांट्स, क्योंकि तो चाहे आप कितने भी नॉन वेजिटेरियन हो, कितने भी बड़े, ठीक है, नॉन वेज जो भी आएगा वो तो बेटा एनिमल सोर्स से आता है, और एनिमल्स तो कुछ प्रोडक्ट्स कर नहीं पाते क्योंकि तो वो भी ना कहीं बेटा प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो हिस्सों में समझते हैं। एक है उसको कहते हैं बच्चों हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एक्चुअली बनाए कितने? चार। तो ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, जीपीपी, इसको बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बट क्योंकि मम्मी काम कर रही है तो उसको भूख लगती है ना, वो रेस्पिरेशन कर रही है, ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए, तो उसने एक चपाती खा ली, तो ऑब्वियसली बेटा वन माइनस कर दो आप लोग, तो जीपीपी हमने, है ना, तो जो कुछ बच जाता है बच्चों, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, किसी भी इकोसिस्टम में जो अवेलेबल बायोमास होता है वो क्या होगा, जीपीपी या एनपीपी? एनपीपी। बहुत बढ़िया, यही तो क्वेश्चन नीट वाला पूछता है, कुछ भी नहीं, कोई मुश्किल बात तो है नहीं इसमें। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को बेटा समझते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो सन है, सन से आया, फिर खरगोश भाई साहब ने खा लिया, ठीक है। अब ये तो ना चलता रहता है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो यार ये एनिमल खाए या ना खाए, प्लांट्स तो खुद भी तो रेस्पिरेशन करेगा, खुद भी तो वो ग्लूकोज को यूज करेगा, इसका मतलब है ना, हमेशा आपको ये चीज देखने को मिलेगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द हेटरोट्रॉफ्स। ये खरगोश जो कुछ भी खाएगा वो होगा एनपीपी से ही मिलने वाला कंपोनेंट, जीपीपी तो इसके पास था, ठीक है, जितना बना है ना। हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर जो कुछ भी खाएंगे वो एनपीपी में से ही खाएंगे, कभी भी जीपीपी में से नहीं खा सकते। इज इट क्लियर और नॉट? इतना तो क्लियर समझो यार, है ना। Yes, sir. जब भी आप फूड चेन, फूड वेब जो भी बोलते हो, तो ये फूड चेन, फूड वेब सारा एनपीपी पे डिपेंड है, जीपीपी पे नहीं, क्योंकि जीपीपी अवेलेबल होता नहीं है दूसरे किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल बात करते हैं, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू द हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, दैट इज एनपीपी। नाउ इट इज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो इस प्लांट ने जो भी रेस्पिरेशन किया, मतलब जब भी एटीपी बनाया, ठीक है, या तो हीट लॉस किया, क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो सारा बेटा अमाउंट एटीपी में तो कन्वर्ट नहीं होता है ना, जैसे हमारे बॉडी में भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो 40% एटीपी में कन्वर्ट होता है, 60% हीट लॉस होता है। तो रेस्पिरेटरी लॉसेस का मतलब सिर्फ एटीपी बनना अगर आपके दिमाग में है तो उसको पहले निकालो। रेस्पिरेटरी लॉसेस का मतलब होता है बेटा एटीपी एज वेल एज द हीट लॉस दोनों, ठीक है। तो हमारे लिए फॉर्मूला है बच्चों, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, है ना आसान, बड़ी आर क्या है?
आर क्या चीज होती है, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, तो व्हाट इज आर, आर का क्या मतलब, ऑब्वियसली आर का मतलब बड़ा ही सिंपल है बच्चों, आर का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस, बट इसका मीनिंग क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस का मतलब है एटीपी जितनी बनाई गई और हीट लॉस जितना हुआ, वो दोनों मिला करके बेटा हम लोग वर्ड यूज करते हैं। नाउ आते हैं बच्चों, अभी फूड चेन काम कर रहा है, ठीक है, तो इकोसिस्टम में हम सारे प्रकार की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपने आज पालक पनीर खाया, ठीक है, अगर आज आपने पालक पनीर खा लिया, उसका क्या होगा, आप बोलोगे सर मुझे डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा डाइजेस्ट हो गया मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर मेरे बॉडी में जो मसल्स बने हैं, जो भी सेल्स बन रहे हैं, जो नया प्रोटोप्लाज्म ऐड हो रहा है ना, वो मेरी बॉडी बना रही है, मतलब तुम्हारे बॉडी में खून बह रहा है या पालक पनीर, तो बोलोगे सर मेरे है ना नसों में खून बहता है, पालक पनीर नहीं। इसका मतलब कि आपके बॉडी ने जो भी खाया उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, इजंट इट, यस सर, है ना, मतलब आपको जख्म होगी तो वहां से पालक पनीर हरा हरा थोड़ी निकलेगा, खून निकलेगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आपने जो खाया ना उसको कन्वर्ट कर दिया गया आपके फॉर्मेट में, आपको जो चाहिए था, तो फिर इसी को मैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहता हूँ। इट इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब जब कंज्यूमर्स खा लेते हैं प्लांट्स के किसी पार्ट्स को, तो वो उसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो जितने तेजी से इसको करेंगे उसी उसके रेट को मैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहता हूँ। तो आपको पहले तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट बाय द फोटोसिंथेसिस बाय द ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, बाय द प्रोड्यूसर्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है, तो ये पहले थोड़ा ध्यान से समझो। ना अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर जगह पे एक से एक जैसी होती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको मैंने सहारा डेजर्ट भेज दिया, वहां जाओ एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे देखो कितना बायोमास जमा। आप गए, आपने मेजर कर लिया, सर्टन अमाउंट आपको पता चला, आप वापस आए, फिर मैंने आपको बोला कि जाओ गंगा नदी के किनारे जाओ, वहां पे बहुत सारे खेत खलियान जंगल है, वहां जाओ, वहां का देखो वन स्क्वायर किलोमीटर में कितना बायोमास जमा होता है, वहां जाए वहां का सैंपल लाया, तो बेटा क्या ये इक्वल होगा क्या, तो आंसर है नहीं, no, sir. बिल्कुल नहीं। आप खुद समझते हो कि जहां का बायोमास है ना ज्यादा है वहां पे ऑब्वियसली है ना प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई है, तो हर जगह पे, ठीक है, हर साल एक जैसा ही प्रोडक्शन होता नहीं है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, वहां पे कौन से प्लांट स्पीसीज रहते हैं उसके हिसाब से बेटा प्रोडक्टिविटी वेरी करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वहां पे टेम्परेचर कितना है, बारिश कितनी होती है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके हिसाब से बेटा प्रोडक्टिविटी होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वहां के सॉइल में कितनी फर्टिलिटी है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितना होगा। एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, और जो प्लांट्स वहां पे है उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या वो C4 प्लांट्स है या C3 प्लांट्स है या CAM पाथवे वाले प्लांट्स है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यार वो कौन से प्रकार का फूड है ना जो बायोमास अमाउंट जमा करेंगे, कितना अमाउंट जमा करेंगे। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बेटा ऐसे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हेलो, क्लियर है क्या रे, आसान है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये है बेटा अर्थ। अब यहाँ पे बहुत ही मजेदार सा फैक्ट आपकी एनसीईआरटी बताती है, मजेदार है ये फैक्ट, क्यों है थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि है ना एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी है, एनुअल, एनुअल मतलब हर साल, आप होल बायोस्फीयर मतलब पूरे बायोस्फीयर का अगर आप प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे एनपीपी,
अगर आप पूरे एंटायर जो अर्थ है बायोस्फीयर है उसका अगर आपने एनपीपी कैलकुलेट किया पर ईयर का, तो हमें ये नोटिस करने को मिला कि अबाउट 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट, मतलब पानी को कंसिडर हम लोग नहीं कर, अबाउट 170 बिलियन टन्स, ठीक है, इतनी प्रोडक्टिविटी होती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये ठीक है 2006 की बुक का है, रेजिटेशन उतना था। अभी थोड़ा ध्यान से, ऑफ दिस, अब मजेदार फैक्ट तो ये है, नीचे बता, ऑफ दिस इसमें से डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन इज ओनली 55 बिलियन टन्स। अब यार मजेदार बात होगी नहीं? अच्छा, आपको मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि 170 बिलियन टन उसमें से सिर्फ 55 बिलियन टन ओशन में आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है एनुअली, ठीक है। लैंड एरिया जो बेटा ओनली 33% है, या 30% आप लोग देख लो, ये देखो लैंड एरिया जो है वो 30%, उसमें भी बहुत सारा लैंड एरिया तो उसमें से ग्लेशियर्स और पोलर एरियाज में है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो लगभग 20-25% इतना ही लैंड एरिया है जहां पे एक्चुअल बेटा फोटोसिंथेसिस होता है। तो लैंड एरिया के ऊपर जो प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, अब वो 55 मतलब 170 माइनस 55 इतना आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। हेलो, आर यू क्लियर? ठीक है, yes, sir. यहाँ पे आपको मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा लेते हैं कि 100 बिलियन बोल देते हैं, 100 बिलियन टन। अब यार ये कैसे, कौन बताएगा? बड़े बड़े साइंटिस्ट बेटा अभी बैठे हुए मेरे सामने, आपके सामने एक बड़ा अच्छा अजीब सा फैक्ट है कि ओशन में बहुत ज्यादा एल्गीज है यार, चीप प्रोड्यूसर्स है, बहुत तेजी से प्रोडक्शन करते हैं, हेलो इजंट इट, ठीक है। फिर भी जो नेट प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वो लैंड की ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ओशन, और ये बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर हम सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो 70-30 रेशियो है, ठीक है। तो 70% सरफेस एरिया सिर्फ 55 बिलियन टन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कर रहा है, ये डिफरेंस क्यों है? एनीवन कैन टेल मी, बताओ, अभी बताओगे बाद में बताओगे कैसे कर रहे, व्हाई दिस डिफरेंस? You got the question? Hello? Question to clear hai aapko? Yes. Okay. So if the question is clear, so try what should be the answer. So you got the concept here. ठीक है, मैं आपसे ये चीज बताना चाहूंगा कि ओशन जो है ये एक स्टेबल इकोसिस्टम है, वहां पे जो डाइवर्सिटी है ना, ओशन की जो डाइवर्सिटी है। सर आपकी आवाज बीच में से नहीं आ रही थी। ओके, अभी आ रही है? यस सर। तो जो ओशन है, ओशन में जो स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू द लैंड बहुत ज्यादा है। ओशन में जो कंज्यूमर्स है ना उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर्स, समझ रहे हो बेटा? हेलो, तो आपको बेटा हिंट है ये कि व्हाई द एनपीपी ऑफ द ओशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द लैंड, ठीक है। वहां पे जैसे ही आप जाओगे ओशन में तो आपको इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक और चीज आपको नोटिस करने को मिलता है कि सरफेस एरिया के मामले में प्रॉब्लम है पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द वाटर,
हेलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द वाटर. हेलो, इजंट इट? है ना, जिस तरह से लैंड के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनको जिस तरह से लाइट मिलता है ना, वैसा प्रॉपर लाइट बेटा वाटर के अंदर नहीं जाता. हेलो, तो मैंने चीजें बताई है, इसको सोचो और आपको आंसर मिलेगा. और नहीं मिलेगा तो आगे दूसरे एक चैप्टर में इसी चीज को एक्सप्लेन भी किया गया है. ठीक है, सो विल डिस्कस दैट. हेलो, नो इश्यू इन दैट. मतलब मैंने दो मुद्दे बहुत क्लियरली समझाए. पहला क्या बेटा, ओशन हैव अ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू द लैंड. वहां पे बेटा कंजम्पशन का रेट खतरनाक लेवल पे चलता है. तो इधर बनाया उधर खा गया, इधर बनाया उधर खा गया. ठीक है, ये एक चीज है. दूसरा, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचती नहीं ज्यादा, क्योंकि एनपीपी में से एनपीपी बहुत सारा खा ही लेते हैं. ठीक है, एनीवे, दूसरा जो लाइट का पेनिट्रेशन प्रॉब्लम है वो एक इशू है. तो विल टॉक अबाउट दैट. तो ये रहा बच्चों प्रोडक्टिविटी के बारे में. तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप प्रोडक्टिविटी को बोलती नहीं है, तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, आपको जीपीपी पता है? ठीक है, आपको क्या पता है? जीपीपी माइनस आर. आपको क्या मिला बेटा? एनपीपी. ठीक है, ओके, ये आपको पता है. एनपी क्या है उसको समझते हैं. ठीक है, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, लिख के रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था अभी तक आपको समझ में आएगा. मेरे पास एनपीपी है. एनपीपी ही बेटा सारे फूड चेन्स के लिए अवेलेबल है, सारे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है. ठीक है, तो जो भी चीज कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है वो है एनपीपी बच्चों, बराबर. जीपीपी तो है नहीं. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कुछ भी बायोमास एनपीपी में है, ठीक है, उसे ही कंज्यूमर्स जो है कंज्यूम करेंगे. जो भी बायोमास एनपीपी में है उसी को बेटा कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे. उसे ही क्या करेंगे बेटा? कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे. एनपीपी में जितना बायोमास है उसे ही कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे. क्लियर है क्या? हेलो, यस सर. है ना, हाँ, थोड़ा ध्यान से देखो. तो होगा क्या कि कंज्यूमर्स ने कंज्यूमर करने के बाद में जो भी चीज बच गया बायोमास में उसे बोलता हूं मैं नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम. कितने लोगों को समझ में आया? मम्मी ने चार रोटियां बनाई, चार में से एक खुद खा गई, बचे तीन. है ना, बच्चा आया, बच्चे ने दो रोटियां खा ली, बचा एक ही. तो घर में कितनी रोटियां बची? एक. मतलब कितने? तीन. थ्री माइनस माइनस है ना कंज्यूमर्स ने जो कंज्यूम किया वो. ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी इकोसिस्टम. व्हाट इज नेट प्रोडक्टिविटी? नेट प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एनपीपी माइनस द अमाउंट कंज्यूमर्स हैव कंज्यूम्ड. हेलो, करेक्ट है एक्चुअली. तो इसी को मैं नेट प्रोडक्टिविटी बोलता हूँ, या तो मैं उसे ये कहता हूँ कि नेट प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास दैट कंज्यूमर्स हैवंट कंज्यूम. ठीक है, कंज्यूमर्स ने ना कंज्यूम किया ना उसको जलाया, तो जो कुछ बच गया, ठीक है, उसी को मैं नेट प्रोडक्टिविटी कहता हूँ. क्या बेटा क्लियर है सबको? यस सर. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल फंडा. तो ये है बेटा प्रोडक्टिविटी के बारे में कार्यक्रम. अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों डीकंपोजिशन के बारे में. तो ये दूसरा फंक्शन है यार. ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है. इसके बिना तो यार मतलब अर्थ खत्म चले गए नहीं. तो यहाँ पे डीकंपोजिशन एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है. आपको ये समझना है कि इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर
by decomposers into inorganic substances like CO2, water and nutrients. इन चीजों में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज सड़ेगी या तो सड़ेगी तो कैसे सड़ेगी, तो आपको पता है ब्रेक डाउन होगा चीजों का। नाउ इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये बहुत जरूरी, जितने भी डिकम्पोजर्स आपको देखने को मिलते हैं सारे एरोबिक होते हैं, एरोबिक होते हैं। मैंने इवन लास्ट क्लास में भी बेटा आपको बीओडी के बारे में बताया था, मतलब है ना, हम लोगों ने फर्मेंटर्स के बारे में पढ़ा, बराबर। तो मैंने कहा कि जो बैक्टीरिया और फंगस ग्रो होते हैं ना फर्मेंटर में, उनको हमेशा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो यही चीज हमें समझनी है कि डिकम्पोजर्स ऑलवेज नीड एरोबिक मीडियम, ठीक है, ये क्लियर करो। फिर आता है बेटा, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्रिटस। जिस चीज को सड़ाया जाता है उसको डेट्रिटस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डेड प्लांट रिमेन्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीकल मैटर, जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसको भी डिकम्पोज किया जा सकता है उसे हम डेट्रिटस कहते हैं, ठीक है। तो ये डेट्रिटस है। नाउ अब डिकम्पोजिशन बेटा आपको पांच सिक्वेंशियल चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। एक जो चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको तोड़ा जाएगा ताकि इजीली बेटा एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट कर सके, तो इसी चीज को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द डेट्रिटिवोर्स, इनको हम लोग डेट्रिटिवोर्स बोलते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, कॉकरोच, ये लोग जो है बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है इनको बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर होता है बेटा लीचिंग। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल बने हुए हैं, ठीक है, अब वो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना जो भी होंगे, अब जैसे बारिश होगी ना बहुत तेज, तो बारिश के साथ में, बारिश के पानी के साथ बेटा ये बड़े बड़े इनऑर्गेनिक मिनरल जो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं वो तो जमीन के अंदर चले जाते हैं, परकोलेट होते चले जाते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग कहते हैं। और ये अनअवेलेबल सॉल्ट है, प्लांट्स को इतने जल्दी मिलेगा नहीं, लीचिंग जो हो गया वो प्लांट्स को नहीं मिलेगा। तीसरा होता है बेटा कैटाबोलिज्म। अभी इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट तो लीचिंग हो गया, चले गए अंदर, बेटा सॉइल में बचेगा क्या, सॉइल में बचता है ऑर्गेनिक डिग्रेडेबल कंपोनेंट। तो डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, फंजाई, तो जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया की और फंजाई की उसी को हम कैटाबोलिज्म बोलते हैं। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट एक्चुअली इवेंट है बेटा जो साइमल्टेनियसली होती है, मतलब आप बोलोगे ये पहले होता है वो बाद में होता है, ऐसा नहीं है। एंटायर जो डेड ऑर्गेनिक जो भी रिमेनेंट है उसके ऊपर सारे स्टेप्स वन बाय वन चलते रहते हैं, ठीक है। एक चीज का फ्रेगमेंटेशन हो गया तो उसका लीचिंग कर दो, फिर कैटाबोलिज्म, ये सब साइमल्टेनियसली होता है। आप बोलोगे पहला ये होता है फिर दूसरा होता है फिर तीसरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ अबाउट थ्री प्रोसेसेस ऑकर साइमल्टेनियसली, क्या है बेटा ये, दी अबाउट थ्री प्रोसेसेस ऑकर साइमल्टेनियसली। हाँ बोलो सर, लीचिंग एक बार वापस समझाओ। लीचिंग बहुत सिंपल है, लीचिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हमारे बॉडी में होते हैं जैसे फॉस्फेट्स है या मैग्नीशियम। अब ये जो है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ही बारिश आती है तो जो सॉइल में ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल है वो उस पानी के साथ घुल जाते हैं, और जैसे जैसे पानी अंदर ग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में अंदर परकुलेट होता है उसके साथ साथ बेटा ये मिनरल्स भी नीचे चले जाते हैं, इतने डेप्थ में जाते हैं कि वो जल्दी से बेटा प्लांट्स उनको रीच नहीं कर सकता, क्लियर है। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, अब चौथी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, एक्चुअली सॉइल फॉर्मेशन को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस एक ऐसा चीज है ना, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस है। एमोर्फस मतलब पाउडर फॉर्मेट में रहेगा या ग्रैनुल होंगे छोटे छोटे, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ द ह्यूमस इन सॉइल, ह्यूमस जमा होता है। अब ये एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस रेजिस्टेंट है, ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोब्स उसको बहुत जल्दी बेटा उसका कैटाबॉलिज्म नहीं कर पाते,
इसीलिए ह्यूमस बहुत धीरे धीरे, सॉइल बनना बहुत बड़ी मुश्किल की काम होती है क्योंकि ह्यूमस बहुत धीरे धीरे बेटा डिकम्पोज होता है, ठीक है। सो डिकम्पोजेस वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। तो जो मेन कंपोनेंट होते हैं जो प्लांट को चाहिए, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, वो ह्यूमस में है। और धीरे धीरे बेटा इसीलिए प्लांट्स वहां पे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं ताकि उनको धीरे धीरे मिनरल्स मिलता है सबको। बींग कोलाइडल, क्योंकि वो पार्टिकल्स से कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ह्यूमस में। बींग कोलाइडल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो कोलाइड होते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे से ग्रैनुलर पार्टिकल्स बनते हैं, तो इतना आसान नहीं होता तो बेटा एकदम से प्लांट सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, स्लोली बेटा उसको यूज करता है, स्लोली वो डिकम्पोज होता है। इसीलिए ह्यूमस में, ह्यूमस जहां पे ज्यादा होता है वहां पे प्लांट्स भी बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे प्लांट भी धीरे धीरे ग्रो होता है, ठीक है ना, वो लीच हो पाता है और ना ही बेटा प्लांट उसको तेजी से एब्जॉर्ब कर पाता, वो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखेगा बेटा ह्यूमस। क्लियर है? यस सर। एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है? इट इज द रिलीज ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमस। अब कुछ माइक्रोब्स स्लोली ही क्यों ना, बहुत धीरे धीरे करेंगे, बट उस ह्यूमस पार्टिकल को इतना डिग्रेड करते हैं कि उसमें से मिनरल्स निकलते हैं और यही मिनरल जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली तीन ही मेन स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म। बाद में जो दो चीजें बताई गई है वो सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। हेलो, समझ रहे हो क्या? ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे कि इनमें से, इन पांच में से ऐसे कौन से बेटा प्रोसेसेस है जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? एक है फ्रेगमेंटेशन, एक है कैटाबोलिज्म और एक है मिनरलाइजेशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन जो है वो तो पार्टिकल बन जाते हैं क्योंकि फ्रेगमेंट्स बने, ठीक है, तो वो जो है धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं। तो यहां पे आपको नोटिस करना है, एक बार ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा, इन तीन में से आप बताओ ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है आउट ऑफ थ्री, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म। इन तीनों में से कौन सी प्रोसेस बायोलॉजिकल नहीं है, बताओ। लीचिंग, लीचिंग ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे कोई माइक्रोब वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। बारिश आएगी, बहता हुआ पानी आएगा, उस बहते हुए पानी में, बारिश में बेटा ये सारे जो मिनरल्स है जो कि वाटर सोल्यूबल है वो घुल जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे एंड दे विल परकोलेट, दे विल प्रेसिपिटेट इनटू द बॉटम ऑफ द अर्थ। हेलो, इजंट इट क्लियर, है ना? तो ये बेटा बस क्लियरली हमें छोटी छोटी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमें नोटिस करना है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि डिकम्पोजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो नंबर वन, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है, ठीक है। इस पैराग्राफ से बेटा क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। देख, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, एक्चुअली जिस चीज को, जिस कंपोनेंट को डिग्रेड कराना है, अभी प्लास्टिक को डिग्रेड कराना है, तो प्लास्टिक डिग्रेड हो जाएगा क्या? प्लास्टिक डिग्रेड होगा क्या? माइक्रोब ये कोई भी आ जाए तो डिग्रेड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन ही वैसा है, isn't it? है ना, इसका केमिकल है ना, बट वैसा ही है बेटा यहाँ पे। अभी जैसे मैं आपको बहुत साधारण सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको मैंने बोला देखो ये चार रोटियां है और ये और चावल है, रोटियां और चावल आपने शायद देखा होगा, आप सब खाते होंगे, सबके घरों में बनता है, ऐसा कोई एकदम नोवेल चीज है नहीं है,
मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा इन दोनों में से, अभी जैसे गर्मी पड़ गई, बहुत गर्मी है, अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखते, बाहर ही रखते, तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन खराब होगा, कौन डिकम्पोज होगा, बताओ? चावल और रोटी, इसमें से दोनों में से कौन? चावल। चावल, बिल्कुल। और क्यों? क्यों? क्योंकि रोटी जो होती है वो ड्राई होती है, तो चावल बेटा वाटर वाला होता है, तो जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां बेटा ये बैक्टीरिया फंगस जो है उनको एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, आसानी होती है। तो इसका मतलब है कि केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें जो भी है, जो भी डिटरिटस है ना, वो है ना, वो डिटरमाइन करता है। अब हम इतने, हमारे घर में कितने तो भी फर्नीचर होते हैं यार, सारे वुड से बने होते हैं, लकड़ी से, वो सालों साल, हजारों सालों तक टिके हुए रहते हैं, किसी किसी घर में फर्नीचर सौ सौ साल से। अब ये कैसे टिक गए इतने साल? ऑब्वियसली बेटा वो कम्प्लीटली ड्राई है, कम्प्लीटली ड्राई है, हार्ड वुड से बनाया है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, टैनिन रेजिन क्या क्या नहीं है उसके अंदर, बराबर। तो ये जो चीज होती है इसी से हमें थोड़ा समझना है, ठीक है? ओके, तो डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इन अ डिट्रीटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। जिस सब्सटेंस में लिग्निन हो, काइटिन हो, वुड मतलब सेकेंडरी जाइलम, यार सेकेंडरी जाइलम में बहुत ज्यादा लिग्निन होता है इसलिए वो जल्दी से खराब होते नहीं है, लिग्निन एंड काइटिन। सो इट इज अ क्विकर इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स। अगर है ना कुछ सब्सटेंस में नाइट्रोजन या वाटर सोल्युबल शुगर ऐसी चीजें होंगी ना, तो बेटा वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, आप ये मत मान लीजिएगा बस यही एक एग्जाम्पल, दिस इज वन कंपैरिजन दे आर गिविंग। अगर किसी भी जगह पे लिग्निन काइटिन जैसे टफ कंपोनेंट है तो उसको यार सड़ने में डिकम्पोज होने में बहुत समय लगेगा, जैसे कि स्पोरोपोलेनिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब स्पोरोपोलेनिन होता है तो बेटा यार उसका एग्जाम पे डिग्रेड ही नहीं होता, पोलन ग्रेन का बराबर है ना, डिग्रेड होता है नहीं होता, that is what the thing we have to understand. Next, climatic factors, जैसे कि temperature and soil moisture, तो ये बहुत बड़ा role play करते हैं। जैसे कि warm and moist environment, गर्मी अगर ज्यादा होगी और moisture अगर बहुत ज्यादा होगा तो decomposition जल्दी जल्दी होता है। But अगर बेटा आप refrigerator में चीजों को रखते हो, low temperature या अनएरोबिक कंडीशन में रखोगे, एयर नहीं मिलेगा, तो बेटा ये इनहिबिट करेगा डिकम्पोजिशन, रिजल्टिंग इन द बिल्डअप ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए गर्मी है ना, मॉइस्चर है ना, ये चीजें या एरोबिक कंडीशन, वो गर्मी हो, मॉइस्चर हो, अच्छा खासा ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो बेटा चीजें जल्दी जल्दी डिग्रेड होंगी, जल्दी जल्दी खराब होंगे, डिकम्पोज होंगे, ठीक है? अगर बेटा लो टेम्परेचर हो, अनएरोबिक कंडीशन हो, ड्राई वेदर हो, तो बेटा है ना जो भी मटेरियल है उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए समय लगेगा। क्लियर है ये, है ना? तो हम लोग ये रेफ्रिजरेटर में चीजें रखते हैं तो क्यों रखते हैं? तो यहाँ ठंडा रहता है, ठंडा रहेगा तो जो भी बैक्टीरिया फंगस उनके एक्शन है वो उतने जल्दी नहीं हो पाएंगे, ठीक है? इसीलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर में चीजें रखने की कोशिश करते हैं। ये रहा बच्चों दो कंपोनेंट फंक्शंस, है ना, पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा था बेटा डीकंपोजिशन। याद रखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। हेलो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है? अब क्या फंक्शंस है इकोसिस्टम के? सर एक है प्रोडक्टिविटी, एक है डीकंपोजिशन, एक है एनर्जी फ्लो और एक है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अच्छा ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अभी तक? सर प्रोडक्टिविटी पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, बढ़िया है। अब क्या पढ़ोगे? सर एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो का क्या मतलब? देखो हम लोग फूड चेन, फूड वेव, ये सब कुछ बेटा हमारे 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ग्रास को
रैबिट खाता है रैबिट को, स्नेक खाता है स्नेक को, ईगल खाता है, ऐसा कुछ तो भी हैव यू फूड चेन तो पढ़ा है आपने, ठीक है। अब आप ये जब पढ़ते हो ना ये सब कुछ, ये खाता है वो खाता है, तो ऑब्वियसली बेटा क्यों खाता है ये क्वेश्चन आएगा। व्हाई रैबिट कंज्यूम्स द ग्रासेस, व्हाई स्नेक कंज्यूम द रैबिट, अरे भाई सबको एनर्जी चाहिए, सबको जीना है, तो वो खाना खाते हैं, उनको वहां से एनर्जी मिलती है। सो अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा ध्यान से देखो, एनर्जी फ्लो। Sun is the only source of the energy for all ecosystems. तो जितनी भी ecosystems है ना बच्चों, उनके लिए sun जो है वो एक है ना ecosystem, वो एक part है। Sun is the only source of energy for all ecosystems. ठीक है, except the deep sea hydrothermal systems. अभी ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, मैंने बोला था कि हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा समझ लो बच्चों, कंसेप्ट को समझो, ये जो चीज दी गई है। अगर आप 500 मीटर ओशन में जाओगे ना नीचे नीचे, तो 500 मीटर के नीचे अगर आप उतरते हो, डेप्थ में जाते हो, तो बियॉन्ड 500 मीटर बेटा लाइट पेनिट्रेट नहीं करता, क्लियर है। बट ओशन का डेप्थ सिर्फ 500 मीटर तो है नहीं, वो तो 10,000 मीटर तक भी है। तो सर क्या 10,000 मीटर में लाइट नहीं होता? हाँ भाई नहीं होता यार, वहां घना अंधेरा, वहां डे नाइट ऐसा कुछ नहीं है, वहां हमेशा ही अंधेरा। इज इट क्लियर? हेलो, यहाँ तो क्लियर है आपको? यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि उतने डेप्थ में भी क्या एनिमल्स रहते हैं? तो आंसर है हाँ सर, वहां तो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, उनको एनर्जी कहां से मिलती है? तो पहला तो एनर्जी उनको दो चीजों से मिलती है। पहला, जो भी ऑर्गेनिज्म मरते हैं, जो सुपर ऊपर ऊपर है ना सरफेस के ऊपर, जो जो भी एनिमल्स मरते हैं, प्लांट्स बड़े बड़े एल्गी, उनकी डेथ होती है या टूटते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप को बैलेंस तो कर नहीं पाते, तो वो बहुत जहां पे भी नीचे 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 बेटा उतरते हैं, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं, मर जाते हैं, व्हेल वगैरह शार्क, बहुत बड़े बहुत बड़े बड़े अलगी है। अब जब इनकी डेथ होती है तो इनके बेटा टुकड़े 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 टुकड़े, एक ये खा लेगा थोड़ा, वो खा लेगा, ऐसे तो चलता ये, बट वो नीचे नीचे उतरता है। तो डेट्रिटस, डेट्रिटस जो है तो है ना पूरा का पूरा जो भी डेड रिमेनेंट है बेटा, वो नीचे वाले जो भी ऑर्गेनिज्म से उन तक पहुंचता है। क्लियर है सब? हेलो, पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट सर, फिर भी वहां पे थोड़ा बहुत तो कुछ तो भी होना चाहिए ना एनर्जी वेनर्जी। तो वहां पे होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम क्या है? देखो, अर्थ सरफेस के अंदर लावा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या होता है अर्थ के अंदर ही कहीं ना कहीं से बेटा, ठीक है थोड़ा नोटिस करना डायग्रामेटिकली मैं बताता हूँ। देखो ये है ओशन बेटा, ठीक है, ये गहराई में अर्थ है, यहाँ देखो। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ तो अंधेरा है इतने पोर्शन, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे लावा फैल रहा है अंदर, जमीन के अंदर लावा है, लावा फ्लो हो रहा है, बहुत गर्मी है, होता क्या है थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग एक इतने से क्रैक हो जाएगा, यहाँ पे क्रैक है। अब क्रैक होगा तो पानी जो है, क्योंकि वाटर है ना, वो वाटर यहाँ पे जाएगा। अब ये क्रैक इधर से ओपन भी होता है इधर इस साइड, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। तो बच्चों नोटिस करो, पानी यहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे है तो वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, बहुत गर्म स्टीम में, और ये स्टीम यहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ पे भयंकर बेटा गर्मी पैदा करती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी का सोर्स बनता है, इसीलिए इसको हाइड्रोथर्मल बोलते हैं। थर्मल लाइट एनर्जी नहीं, हाइड्रोथर्मल, तो थर्मल एनर्जी मिलती है, और इसी थर्मल एनर्जी का यूज करके जीने वाले वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हाइड्रोथर्मल कहा जा रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसको हाइड्रोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये डीप ओशन में चल रहा है, हम भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते बेटा हाइड्रोथर्मल वेंट्स से, हमने सुना होगा
हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वेंट मतलब ऐसे स्लाइसेस होते हैं, पानी डालते हैं एक जगह से, भाप बन के बाहर निकलती है, भाप जहां से निकल रही है वहां टर्बाइन लगा देते हैं, तो टर्बाइन गोल 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 घूमता है, गोल गोल घूमेगा तो डायनेमो लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो अपना फंडा नहीं है, विल नॉट गोइंग इनटू दैट। ओके, तो क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? Yes. पहली चीज, अर्थ के ऊपर क्या हर जगह पे सनलाइट अवेलेबल है? नहीं, ये पहला आंसर आपको मिला। आप समझ रहे हो, नहीं सर जितने भी ऑर्गेनिज्म, नहीं नहीं, ठीक है, सो सनलाइट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है। दूसरा है, अब तो एक्सीडेंट सोलर रेडिएशन, अब मजेदार बात यह है कि अर्थ के ऊपर जितना भी सनलाइट रीच होता है, लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जितना भी लाइट हमारे अर्थ के ऊपर आता है, उसमें से 50% से भी कम एनर्जी जो है, लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो पाती है, मतलब वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, ठीक है। प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक एंड एक केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, प्लांट जो होते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स फिक्स सोलर रेडिएंट एनर्जी। अब यहाँ पे ये पहले के एनसीईआरटी में केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखा था, बट बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसमें मैं भी था, तो इसको क्योंकि देखो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को यूज करता ही नहीं, और यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लांट एंड है ना फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, तो बेटा सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, और प्लांट्स, यही लोग सोलर रेडिएशन को फिक्स कर पाते हैं, करेक्ट है। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं, पक्का। तो अब यहाँ पे आते हैं, प्लांट क्या कैप्चर कर सकता है? ओनली 2-10% ऑफ द पार, पार का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो भी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है उसमें से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2% की, एक्चुअली 10% भी नहीं होता, 2% तक ही बेटा पार को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। And this energy sustains the entire living system. तो बेटा जितना भी living world है, ठीक है, उसके लिए बस ये 2% sunlight energy जो use होती है ना, इसी के ऊपर बेटा हमारा पूरा जो भी world में biosphere है, पूरा earth के ऊपर वो सब survive कर रहा है। आप imagine करो, ये 2% मतलब बहुत हो जाता है, ठीक है। So anyway, now अब एक चीज यहाँ पे एक बढ़िया चीज लिखी हुई, वो क्या बोलता है देखो, हाँ, इकोसिस्टम ओबे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कोई बताएगा मुझे? बताओ। और ये पता होता है, सबको पता होता है, तो फेमस है ये सारे, कोई बताएगा मुझे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, बताओ, बहुत फेमस है ना यार, क्या होता है बच्चों, क्या है रे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? अरे कुछ तो बोलो, अच्छा फर्स्ट लॉ क्या है बता, जीरोथ लॉ क्या है? जीरो जीरोथ लॉ भी है क्या? यस, जीरोथ लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? जीरोथ लॉ क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? चलो बोलो जान। सर सेकंड लॉ इज द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कीप्स इंक्रीजिंग। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम लोग ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इकोसिस्टम ओबे करता है, ओबे करता है मतलब क्या करता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करता है। अब ये यार आपको अगर सेकंड लॉ नहीं पता है तो
है ना, यहाँ पे नीचे दिया भी है ना, दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। आप इकोसिस्टम को, मतलब आप सन को हटा दो, बोले सन नहीं चाहिए जल्द भाग जा, तो क्या इकोसिस्टम काम करेगा? इकोसिस्टम काम करेगा नहीं कर पाएगा। जो हम प्रोडक्टिविटी वाली बात कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी कहाँ से आ रही है? ऑब्वियसली देयर इज इनपुट ऑफ द सोलर एनर्जी, हेलो इजंट इट, द इनपुट है ना, ठीक है। तो वो क्या करता है, एंट्रोपी को मेंटेन रखता है, समझ रहे हो क्या? हेलो हेलो, अरे समझ रहे हो, एंट्रोपी को मेंटेन रखता है यार, क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा? बोलो, अरे कुछ तो बोलो ना यार, क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? अच्छा मैं ये बोलता हूँ कि आपने एक दो आयरन के बॉल लिए, एक आयरन बॉल जो है गर्म है और दूसरा आयरन बॉल ठंडा है, दोनों को एक दूसरे के पास रखा, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगी ना, कहाँ से कहाँ, जब तक तब तक होगी जब दोनों ही आयरन बॉल जो है उनमें क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, हेलो इजंट इट, यस सर। तो यहाँ पे बेटा हमें यही सीखना है कि इकोसिस्टम ओबे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स, इट हेल्प्स टू काउंटरैक्ट द एंट्रोपी। अभी एंट्रोपी का मतलब क्या है, कि एंट्रोपी क्या है, थोड़ा ध्यान से, ये एंट्रोपी को काउंटरैक्ट करता है, क्या मतलब है थोड़ा समझ लो। अगर मैं किसी भी ग्लास में पानी लेता हूँ, वाटर लेता हूँ है ना, और उस वाटर को गर्म करना शुरू करता हूँ, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उस बाउल में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो रैंडमनेस है वो बढ़ता चला जाएगा, उनके जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा रैंडम होंगे, और द वॉटर मोलिक्यूल स्टार्ट एक्सपेंडिंग एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर एंड इट विल बिकम गैसियस, तो रैंडमनेस बढ़ेगा, द डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल विल इंक्रीज, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि एंट्रोपी बढ़ती है, हेलो एंट्रोपी बढ़ती है। बट बेटा किसी भी इकोसिस्टम में अगर एंट्रोपी बढ़ेगी, किसी भी लिविंग सेल की अगर एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं रह पाएगा, वो लिविंग नेचर नहीं दिखा पाएगा। तो आपको ये समझना है कि एंट्रोपी या लिविंग सिस्टम्स इन सॉरी इकोसिस्टम और लिविंग सिस्टम, इनको अपनी एंट्रोपी को बदलने नहीं देना है। मतलब अगर ये एक सिस्टम है, बाहर से अगर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है अकॉर्डिंग टू द है ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट विल यूज दैट एनर्जी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब ये एंट्रोपी बढ़ने नहीं देता, वो क्या करता है उसी एनर्जी को ट्रैप करके और है ना अच्छे से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। तो वो एंट्रोपी को काउंटरैक्ट करता है, हेलो आर यू क्लियर? मॉलिक्यूल्स को दूर दूर जाने नहीं देता, वो सिंथेसिस करता है। सो इकोसिस्टम ओबे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, वो हमेशा एनर्जी लेता रहेगा आउटर सोर्सेस से, ठीक है, चीजों को बनाता रहेगा। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बन ज्यादा एनर्जी आ गई, तो फिर वो उसको बर्न करके हीट के फॉर्म में लॉस भी कर देगा, बट अपनी एंट्रोपी को बढ़ने नहीं देगा, इजंट इट, हेलो बराबर है। ज्यादा एनर्जी बढ़ने देगा क्या? नहीं, जिस तरह से वो एनर्जी लेता है, लेकर के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो गई तो उसी एनर्जी को बेटा तुरंत उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हीट को बाहर फेंक देगा, बट एंट्रोपी को चेंज होने नहीं देगा। लेन देन वाला जो थर्मोडायनामिक्स का रूल है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे आई जाएगी, एक मशीन से दूसरे, हॉट से कोल्ड में, कोल्ड से बेटा दूसरे कोल्ड में, ठीक है, ऐसे जो है बेटा वो जो मूवमेंट है वो ओबे करेगा, इकोसिस्टम 100% ओबे करेगा। मतलब इकोसिस्टम 100% एफिशिएंटली एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, क्लियर है क्या? हेलो, यस सर, एफिशिएंटली ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं कि बस ट्रांसफर करेगा, वो एफिशिएंटली डिसीजन ले लेके ट्रांसफर करता है। तो
यही चीज तो हमें समझनी है, बस ये क्लियर है ठीक है। नाउ अभी कैसे ट्रांसफर करेगा? तो सिंपल है, प्रोड्यूसर से है ना, देयर आर ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज फूड इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंकटन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। तो ये जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये काम करते हैं, जो भी एनर्जी आई उसको पकड़ लिया, उसको बेटा है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, बराबर है, प्रॉपरली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जमा किया, एनर्जी को जमा किया, कन्वर्ट कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो चाहे एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, दोनों में यही काम होगा। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? नाउ द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इज आइदर पास्ड ऑन टू द सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर
तो बेटा आपको आवाज आ रही है? यस सर। तो प्रोडक्शन तो हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के बाद में नंबर आता है बेटा कंज्यूमर्स का। तो कंज्यूमर्स भी तीन प्रकार के है बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, अब इस फूड चेन को अगर आप देखोगे तो ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर है और स्नेक टर्शरी कंज्यूमर है। उसके बाद आपको ईगल दिखाई दे रहा है या हॉक दिखाई दे रहा है, वो होता है बेटा फाइनल या टॉप ऑफ कंज्यूमर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो फूड चेन में पांच या छह या सात, यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा सात हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो गया तो, बट पांच है ना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं आपको लाइन में फूड चेन। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर्स को खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएगा और टर्शरी कंज्यूमर्स है ना जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएगा। अब यहाँ पर नोटिस करना कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग हर्बीवोर्स भी कहते हैं क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सेम वे हम सेकेंडरी कंज्यूमर को हम प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये पहली बार है ना ये एनिमल्स को खा रहे हैं, इसीलिए इनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं। तो ये बात अच्छे से याद रखना कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है, और टर्शरी कंज्यूमर्स आर द सेकेंडरी कार्निवोर्स। क्लियर है बेटा? यस, सिंपल है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कंज्यूमर इनको मिला देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं क्योंकि वो पहली बार कंजम्पशन कर रहे हैं, पहले कंज्यूमर है। ठीक है, उसके बाद के जो कंज्यूमर्स होते हैं बेटा वो प्राइमरी कार्निवोर्स है और सेकेंडरी कार्निवोर्स है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे कंज्यूमर जो है हेटरोट्रॉप्स इनकी लाइन लगी पड़ी है। द चेन ऑफ अ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ए फूड चेन। इसी को बेटा हम लोग फूड चेन कहते हैं। नाउ इट इज अ टू टाइप्स। अब यहाँ पे दो प्रकार के फूड चेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक तो होता है ग्रेजिंग फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या है ना, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन द लिविंग प्लांट्स, तो लिविंग प्लांट्स को खाते हैं, इसका ये ग्रेजिंग है। आप बोलोगे सिर्फ ग्रेजिंग मतलब घास फूस खाने वाले, ऐसा नहीं है। जहां पे लिविंग प्लांट्स को खाया जाता है, ठीक है, वहां पे हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, GFC। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर हम देखना चाहे तो, ठीक है, तो दूसरा जो है डेट्रिटस फूड चेन आपको देखने को मिलता है। अभी डेट्रिटस फूड चेन क्या है बच्चों? हियर द प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पे अगर डेट्रिटस को खाया जाएगा, मतलब यहाँ प्रोड्यूसर्स का रोल नहीं है, डिकम्पोजर्स का बेटा फूड चेन है। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर इज द बिगिनिंग ऑफ द DFC, उसको बोलते हैं DFC। तो दो है, वन इज अ GFC, दूसरा है बेटा DFC। इस तरह से दो प्रकार के फूड चेन हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखो, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को मैन ने खाया, तो यहाँ पे आ जाता है प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, चीजें जो है डेट्रिटस फूड चेन को देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, डेट्रिटस इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर जो होते हैं ना सेप्रोट्रॉफ, ठीक है, सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स that break down detritus into simple inorganic material and which are, मतलब जो detritus food chain है, detritus food chain जो होता है बेटा, ठीक है, वो उसमें बैक्टीरिया फंजाई इनका बहुत बड़ा रोल है, वो डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, which are absorbed by them, thus they get energy and nutrients। तो detritus food chain बहुत छोटे से होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। तो देखो एक बार बैक्टीरिया ने अगर detritus खाना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया को तो कोई खा नहीं रहा है, ठीक है, तो इस तरह से बेटा काम चलता है। या तो यहाँ पे कभी कभी अर्थवॉर्म, मशरूम्स, फंजाई जो है इनका भी बड़े बड़े इनका रोल आता है, तो फिर यहाँ पे कुछ और भी फूड चेन्स आ जाते हैं, जैसे कि
डेट्रिटस को मशरूम ने खाया और मशरूम को बेटा स्नेक ने खाया, इस तरह से हो सकता है, या मशरूम को ह्यूमन ने खाया. सो दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है. बट नॉर्मली मोर ओवर लेवल पे अगर आप देखोगे तो डेट्रिटस फूड चेन जो होता है बच्चों, ये है ना नॉर्मल बहुत छोटा सा फूड चेन हो सकता है, ठीक है. तो ये है अभी इन चीजों को, मतलब एक्चुअली फर्क क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, थोड़ी सी यहाँ पे बेटा गहराई है इस कंसेप्ट में, ठीक है. एक तो ब्लैकमैन का लॉ भी है जिसको हमें पढ़ना है, किस तरह से वो यहाँ पे काम करेगा ब्लैकमैन का लॉ, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम में इकोसिस्टम के पिरामिड्स, फूड चेन के बायोमास के पिरामिड्स, और तो और बेटा साइकल्स, ठीक है. इन सब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है.